हमारे यहाँ फिल्मों में म्यूजिक का कॉपी किया जाना, इंस्पायर होकर म्यूजिक बनाना कोई नई बात नहीं है। यानी कभी हम कहीं से म्यूजिक अडॉप्ट करके उसे यूज कर लेते हैं, कभी राइट्स लेकर उसे यूज कर लेते हैं, तो कभी बिना परमिशन के भी कहीं के म्यूजिक कहीं पर चेप देते हैं। बॉलीवुड फिल्मों में गानों की चोरी सदियों से होती आ रही है, ये कोई नई बात नहीं है। हाँ, वो अलग बात है कि जब इन गानों का भेद खुल जाता है तो म्यूजिक डायरेक्टर्स कहते हैं, अरे ये हमने इंस्पायर होकर गाना बनाया था, कॉपी नहीं की। खैर, जब भी हम म्यूजिक चोरी की बात करते हैं, मैक्सिमम टाइम हम बात कर रहे होते हैं गानों के चोरी की। ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने से लेकर आज तक जाने कितने ही गानों को इधर उधर से उठाकर हमारे यहाँ की फिल्मों में इस्तेमाल किया गया है। हालांकि किसी गाने की केवल धुन को भारतीय संगीत में पिरो के खूबसूरत गाना बनाना भी कोई आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी उन गानों पर कॉपी होने का एक धब्बा तो लग ही जाता है। हमने भी कॉपीड सॉन्ग्स पर बहुत सी वीडियोस बनाई और आपको बहुत से ऐसे गानों के बारे में जानकारी दी जो इतने पॉपुलर होने के बाद भी असल में वो गाने ओरिजिनल नहीं थे, चोरी किए हुए थे। लेकिन आज हम केवल गानों के चोरी पर चर्चा नहीं करेंगे, बल्कि हम बात करेंगे बॉलीवुड की एक सुप्रसिद्ध फिल्म में यूज किए गए कई गानों और उनके बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए यूज किए गए म्यूजिक्स की, जो इस फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर ने बड़ी मेहनत से अलग अलग विदेशी गानों से उठाया है। इस फिल्म का नाम है गुप्त। वेलकम टू पलट तेरा ध्यान किधर है। इससे पहले कि हम फिल्म के म्यूजिक के चोरी किए जाने की परतें खोले, आपको यह बता दूं कि इस फिल्म के लिए म्यूजिक डायरेक्टर विजू शाह को बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया था और बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए 43rd फिल्म फेयर अवार्ड दिया गया था। आइए अब जानते हैं फिल्म के गाने और इसके बैकग्राउंड म्यूजिक की हकीकत। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके टाइटल सॉन्ग की, जिसे न केवल शुरुआती क्रेडिट्स में सुनने को मिला था, बल्कि फिल्म के बीच बीच में कई सीन्स में भी ये गाना सुना जा सकता था। इस गाने को गाया था कविता कृष्णमूर्ति, हेमा सरदेसाई और चेतन शशितल ने। चेतन शशितल एक वॉइस ओवर आर्टिस्ट हैं जो हजारों फिल्मों और एड्स में बड़े बड़े एक्टर्स के लिए डबिंग करने के लिए जाने जाते हैं। इस गाने की शुरुआत में एक स्क्रीमिंग सुनने को मिलती है। ये स्क्रीमिंग असल में प्रभु देवा की तमिल फिल्म लव बर्ड्स के गाने नो प्रॉब्लम से कॉपी किया गया है, जिसका म्यूजिक दिया था A.R. रहमान ने। इस गाने के शुरुआती म्यूजिक यानी पियानो वाले पार्ट की बात करते हैं। देखा जाए तो ये म्यूजिक पार्ट इस गाने का असली बेस है, लेकिन एक्चुअली ये म्यूजिक पार्ट भी कॉपीड है माइक ओल्डफील्ड के ट्यूबुलर बेल्स से। अब आते हैं इस पूरे गाने पर और जानते हैं बाकी का गाना कहां से कॉपी किया गया है। इस गाने को कॉपी किया गया था 1992 में रिलीज्ड सॉन्ग डीप फॉरेस्ट से। तो 3-4 जगह से म्यूजिक के अलग अलग पार्ट्स को उठाकर यह पूरा एक सॉन्ग बनाया गया था। हर एक मर्डर मिस्ट्री फिल्म में एक पुलिस वाले या फिर इन्वेस्टिगेटर का एक अहम किरदार होता है, जो पूरे केस को इन्वेस्टिगेट करता है और असली कातिलों तक पहुंचता है। और इस मर्डर मिस्ट्री में यह काम किया है ओमपुरी ने। फिल्म में ओमपुरी का एक सीन है जहां वो एक कोठे पर जाकर दो लोगों का एनकाउंटर करते हैं। इस सीन में जो बैकग्राउंड म्यूजिक यूज किया गया है, उसी म्यूजिक को राजीव राय की 2004 में रिलीज फिल्म असंभव के इंट्रो सॉन्ग बूम में भी यूज किया गया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे पास ओमपुरी वाले सीन के फुटेज नहीं है, बट अगर आप गुप्त फिल्म के फैन हैं तो असंभव के इस म्यूजिक से आइडिया लगा लेंगे कि ये वही म्यूजिक है। बात करते हैं फिल्म के उस गाने का जो बॉबी देओल का इंट्रो सीन था, यानी दुनिया हसीनों का मेला। इस गाने को उदित नारायण ने गाया था और नो डाउट ये भी एक बेहतरीन गाना था। अब इस गाने की शुरुआती धुन जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये सॉन्ग भी इंस्पायर्ड है 1990 में रिलीज्ड जैपनीज एल्बम कोजिकी के एक सॉन्ग मत्सुरी से, जिसे कंपोज किया था किटारो ने। किटारो के इस एल्बम को ग्रैमी अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था,
कोजिकी एल्बम के विकिपीडिया पर भी अगर आप जाएं तो वहां साफ साफ लिखा है, द फ्लूट म्यूजिक एंड प्रील्यूड इन द सॉन्ग दुनिया हसीनों का मेला फ्रॉम द बॉलीवुड मूवी गुप्त रिलीज इन 1997 हैज बीन पार्शियली इन्फ्लुएंस्ड फ्रॉम द सॉन्ग मत्सूरी बाय द कंपोजर विजू शाह। सोचिए कि एक एल्बम की विकिपीडिया के शीर्षक में इस बात को मेंशन किया गया है कि इस गाने को बॉलीवुड में चोरी किया गया था। स्ट्रेंज। फिल्म के कुछ पार्ट में बॉबी देओल को जेल में दिखाया गया है जहां वो अपने एक सहयोगी से उस जेल से बाहर निकलने के बारे में जानकारी इकट्ठा करते हैं। बॉबी देओल दो कैदियों से मारपीट करता है और जेलर से भी उसकी झड़प दिखाई जाती है। इन सारे सीन्स में एक खास बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है। नजरें और आवाज नीचे रखना। बेशक आपको ये म्यूजिक याद होगा, तो आपको बता दूं ये म्यूजिक भी एक्चुअली में विजू शाह की अपनी क्रिएशन नहीं थी। ये म्यूजिक उन्होंने कॉपी किया था ब्लैक रेन गाने से जो कि रिलीज हुई थी 1995 में। और एक्चुअली में ये कंपोजिशन भी 1995 की ही एक एल्बम में और सुनने को मिला था जो ब्लैक रेन से भी पहले रिलीज हुई थी, यानी सुयोशी सुजुकी की ट्रांसेंट्रल 4 ए ट्रिप टू गोवा में। कि तुम फिर कभी डंडा पकड़ने के लायक नहीं रहोगे। मतलब पहले तो ये आपस में ही चेपी गई, उसके बाद विजू शाह ने गुप्त फिल्म में भी उसे यूज किया था। फिल्म में बॉबी देओल का जेल से भागने का सीन है जहां पर वो पाइप से होते हुए समुंदर में उतरता है और बोट से भाग निकलता है। यहां पर भी जो म्यूजिक यूज किया गया है वो विजू शाह के खुद की क्रिएशन नहीं है, बल्कि उस बैकग्राउंड म्यूजिक को भी कॉपी किया गया था सबकाउट्स के ग्रीन फ्लो म्यूजिक से। सबकाउट्स एल्बम रिलीज हुई थी 1995 में, जिसमें मार्क एलन डेक विजार्ड जैसे आर्टिस्ट ने म्यूजिक दिया था। फिल्म के लगभग सारे गाने लोगों को काफी पसंद आए थे, इसलिए तो इस फिल्म को म्यूजिकल मिस्ट्री फिल्म भी कहा जाता है। फिल्म के कुछ बेहतरीन गानों में से एक था ये प्यार क्या है किसी ने न जाना, जिसे गाया था कुमार शानू, कविता कृष्णमूर्ति और अलका याग्निक ने। इस गाने का शुरुआती ओपनिंग पार्ट जिसमें फ्लूट यूज किया गया है, इस म्यूजिक पार्ट को 1978 में रिलीज्ड फिल्म सत्यम शिवम सुंदरम के एक गाने यशोमती मैया सॉन्ग में यूज किए गए फ्लूट से कंपेयर करके देख सकते हैं। ये आपको कुछ हद तक ये प्यार क्या है वाले म्यूजिक पार्ट से मिलता जुलता लगेगा। इस गाने के इस फ्लूट पार्ट को बाद में बेनी और डीजे हचा ने 2006 में अपने एक म्यूजिक हाईलैंड स्प्रिंग में यूज किया था, तो इस बार यहां पर बाहर वालों ने भी हमारे म्यूजिक को यूज किया। फिल्म का एक सीन है जहां एक पार्टी में राज बब्बर बॉबी देओल की मनीषा कोइराला के साथ एंगेजमेंट की अनाउंसमेंट करने वाला था, लेकिन जब बॉबी देओल को पता चलता है कि उसके पिताजी ने उसके लिए काजोल नहीं बल्कि मनीषा को चुना है तो दोनों के बीच बहस शुरू हो जाती है। क्या भाखा रखी आपने? इस सीन में यूज किया गया बैकग्राउंड म्यूजिक भी कॉपीड है फायर ब्रीथर्स के एक्सट्रीम ऑडियो से जो कि रिलीज हुआ था 1994 में। इस म्यूजिक को जेल में बॉबी देओल और जेलर यानी तेज सप्रू के बीच के फाइट सीन में भी यूज किया गया था। फिल्म में एक और गाना था मेरे सनम तुझको, जिसे गाया था उदित नारायण और साधना सरगम ने। इस सॉन्ग के भी शुरुआती पार्ट को विजू शाह ने कॉपी किया था डॉक्टर एल्बन के सॉन्ग सिंग हैलेलुया से। ये सॉन्ग रिलीज हुआ था 1993 में। ये सॉन्ग वन लव एल्बम से है और ये गाना इतना पॉपुलर हुआ था कि बेल्जियम, डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड में काफी समय तक टॉप 5 चार्ट बस्टर में रहा था। यूएस सिंगल चार्ट में ये सॉन्ग 16वें नंबर पर रहा था और यूरी चार्ट हॉट में इसे 100वां स्थान मिला था। तो दोस्तों ये थी गुप्त फिल्म के म्यूजिक की हकीकत। इसके बावजूद विजू शाह को उस साल के बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर के लिए नॉमिनेट किया गया और बेस्ट बैकग्राउंड म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड मिला। इसमें कोई शक नहीं है कि म्यूजिक को काफी जगह सेम टू सेम कॉपी करके यूज किया गया है, लेकिन फिर भी इन्हें चोर कहा जाना शायद ठीक नहीं, क्योंकि एक गाने से कुछ म्यूजिक सैंपल्स उठाने के बाद भी इन्हें काफी सारा अपना आउटपुट तो देना ही पड़ता है। हालांकि इस बात से भी कोई दिक्कत नहीं है कि ये कॉपी करते हैं, बट क्रेडिट ना देना और फिर बेस्ट म्यूजिक डायरेक्टर का अवार्ड ले लेना,
ये थोड़ा सा ज्यादा हो जाता है। खैर, आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे फ्रेंड्स, प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल इफ लाइक द वीडियो, लाइक मी ऑन फेसबुक, लिंक्स आर इन द डिस्क्रिप्शन। बी सेफ, हैव फन, मिलते हैं अगली बार फिर किसी नए एपिसोड के साथ, तब तक के लिए